मैंने जब लिखा कि मैं बिजनौर में जा रहा हूं बिजनौर की धरती पर, तो सबर समाज के बच्चों ने मेरे कमेंट किया है कि भैया ईडब्ल्यूएस की बात जरूर उठाना क्योंकि हम लोग बेरोजगार है पिछले 3-4 सालों से। तो मैं यहां बात नहीं रखूंगा तो कहां रखूंगा। दादा सुखदेशु गोगा मेडिकल आवाज उठाई हुई, 3 स्टेटमेंट की सरकार गई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जब 2019 में दोबारा मोदी जी की सरकार आई, जब हमारी मांग नहीं मानी गई, 12 जनवरी 2019 को हमको ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन मिला। ये जो सबर समाज में है ये भी गरीब है। हर सबर समाज में पैदा हुआ ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, भूमिहार, जो भी सबर समाज में आता है, सारे पैदा होते ही अमीर नहीं होते, ये भी गरीब होते हैं, इनको भी इनका अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ पे भाजपा के भी वरिष्ठ नेता है, तमाम समाज है हमारा, सभी के सामने कहना चाहता हूं मैं, ईडब्ल्यूएस की जो विसंगतियां हैं ये बहुत बड़ी विसंगतियां, एक सोची समझी साजिश है। इस साजिश को अगर सब लोग नहीं समझोगे तो आने वाले टाइम में तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इस प्लान को समझो, हम झंडे तिरंगे तो खाते रहेंगे, जय जय लगाते रहेंगे, लेकिन जब पेट में भोजन नहीं होगा और बेरोजगार बनकर के घूमोगे तो समझो कि दुनिया का सबसे बड़ा महापाप है। मैं बताना चाहता हूं, जब 12 जनवरी 2019 को दिया इन्होंने, तो क्या इस विसंगतियों के साथ आज स्थिति यह है कि मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे सभी किसान हैं, पिछले बार प्रदीप चौहान जी और अजीत राणा जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ के जो सम्मानित जनता है, भाई बहन बहुत उत्साहित है, लेकिन यहाँ ज्यादातर किसान है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप गन्ने की खेती करते हैं, धान तो शायद यहाँ कम होता है, कोई एक किसान यहाँ बता दे कि 5 एकड़ जमीन में क्या 8 लाख रुपए की इनकम होती है। मैं सभी से पूछना चाहता हूं, अगर होती है तो कोई बता दे, नहीं होती तो हाथ हिला दो। क्या 1000 वर्ग मीटर में जो मकान बनाते हो क्या उससे 5 लाख रुपए 8 लाख रुपए की इनकम होती है। जब भारत का नीति आयोग यह कहता है कि 5 एकड़ जमीन में 8 लाख रुपए की इनकम नहीं होती है, तो फिर सामान्य वर्ग के बच्चों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी से बाहर क्यों रखा गया। ये सत्य क्यों लगाई गई जब दूसरे समाज को, अन्य समाज को जब कोई भी संगतियां नहीं है, आप उनको डायरेक्ट आरक्षण देते हो तो सवर्णों के साथ क्यों देते हो। मैंने मोदी जी से ट्विटर पे, फेसबुक पर पूछा कि महोदय बता दीजिए कि क्या जो सबल समाज में जो बच्चे पैदा होते हैं क्या टाटा बिरला अंबानी बन के पैदा होते हैं क्या। आज बहुत ऐसे सबल के बच्चे हैं जिनके यहाँ 1 एकड़ जमीन है 2 एकड़ जमीन है, जमीन भी नहीं है, रिक्शा चला रहे हैं, तमाम ऐसे बेरोजगारियों को झेल रहे हैं। अगर आप उनको रिजर्वेशन 10% दे दोगे तो आज जो कमल का फूल इस पूरे भारत में खिल रहा है, ये सबलों की देन है, ये फिर दोबारा खिलेगा, हमेशा जब तक धरती रहेगी खिलता रहेगा। क्या हमने गलत मांगा? हम पिछले 4 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। लखनऊ में हमने कहा, हमने योगी जी को पत्र लिखा, मोदी जी को पत्र लिखा, राष्ट्रपति को पत्र लिखा, तमाम नेताओं के पास गया, ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में 10% जो रिजर्वेशन है इसकी विसंगतियां दूर कर दो, लेकिन सरकार दूर करने को तैयार नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया। आपको पता है कि 18 दिसंबर को हम लोगों ने विधानसभा के सामने हमने घेराव का प्रस्ताव किया। जब हम एसीपी के पास गए, हमने कहा कि मुझे यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना, अपनी बात रखनी, क्योंकि मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे, प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे, पत्र का माध्यम मैंने, मुख्यमंत्री मिलते नहीं है तो अपनी बात को पहुंचाए कैसे। भगत सिंह वाला जमाना है नहीं कि हम उठा के असेंबली में बम फेंके तो अपनी बात को रखे कैसे, हमें विधानसभा जाना है, हमें वहां घेराव करना है। तो जानते क्या कहा गया मुझे? कहा गया कि यहाँ पे सपा बसपा कांग्रेस की औकात नहीं है कि आकर विधानसभा पे, मेरे बाबा जी का सरकार है और आपसे कहता हूं कि आप वापस चले जाओ। मैंने कहा कि सुनो साहब, आप सरकार चाहे किसी के छत्री हैं और मैं आपसे कहने आया हूं और अवगत कराने आया हूं कि मुझे परमिशन नहीं चाहिए, मुझे मैं केवल अवगत कराने आया हूं, मैं कार्यक्रम करने जा रहा हूं, आप गोली तोप तूफान बंदूक लेकर के आ देना, अगर राकेश सूर्यवंशी हट जाएगा तो बता देना। और हमने आंदोलन किया, हमने विधानसभा के सामने आंदोलन किया और 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हम लोग हमको मिला के 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और उस गिरफ्तारी के बाद सरकार हरकत में आई और लगातार वार्ता होते 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 25 दिसंबर को मेरे पास मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया कि आप आ जाइए, ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में कुछ बात करना है। और उसके बाद तमाम पार्टियों के नेताओं ने अपना ट्वीट करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, अखिलेश यादव जी ने लिखना शुरू कर दिया कि ये मिलना चाहिए। और मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि ठाकुर सुखदेव सिंह गोगा मेरी से मुझे प्रेरणा मिली थी लड़ने की, इस लड़ाई को उनके प्रेरणा से मैंने लड़ा और ईडब्ल्यूएस की लड़ाई में माननीय मुख्यमंत्री जी तक को झुकना पड़ा और आपको ये 3 साल का छूट मिला। और कोई बता दे, किसी पार्टी का नेता बता दे, कोई संगठन बता दे, कौन ने लड़ाई लड़ा। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सुखदेव सिंह ने जो समाज के लिए, सब समाज के लिए, शायद ये दूसरे महाराणा प्रताप थे, दूसरे महाराणा प्रताप से दोबारा कोई सुखदेव सिंह नहीं हो पाएगा।